जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में स्थित मजनू के टीले की, जो कि यहाँ पर रहने वालों को और आने जाने वालों को काफ़ी काफ़ी अच्छा सा पता है। किसी को चाइनीज़ फूड के नाम से, किसी को कपड़ों के नाम से, या जो यहाँ पे सिखों का गुरुद्वारा है गुरुद्वारे के नाम से। जो हम आज हम इसकी बात करेंगे कि आखिर ये मजनू का टीले का लैला के बगैर हमारा मजनू का टीला, लैला मजनू के किस्से सब हिंदुस्तानियों ने सुने हैं। माना जाता है कि लैला मजनू गावी शताब्दी में मौजूदा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पैदा हुए थे। मजनू का नाम कायस इन अल था। लैला मजनू का जिक्र साथ साथ ही होता है, पर हमारे दिल्ली का मजनू बेचारा अकेला है। राजधानी में ISBT के करीब मजनू का टीला नाम की जगह है, पर इसका संबंध लैला मजनू वाले मजनू से दूर दूर तक नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर हरीश खन्ना के साथ मजनू का टीला में घूमते हुए पता चलता है कि दिल्ली में सिकंदर लोदी के शासन के समय इस जगह पर अब्दुल्ला नाम का एक फकीर था। ऊंचे टीले पर यमुना के किनारे रहता था। वह दिल्ली वालों को नाव से यमुना पार कराया करता था। उसे लोग मजनू कहते थे। इसी से मजनू का टीला यह जगह कहलाई जाने लगी। दरअसल ये सब की दंतिया है, यानी बस ऐसे ही कहते हैं लोग, और उन्हीं के आधार पर यह इतिहास चल रहा है। लैला मजनू को आपने ऋषि कपूर की एक जगत मूवी के उसमें भी कॉन्टेक्स्ट में भी देखा होगा, लेकिन अब ISBT और मजनू के टीले का जिक्र होने पर यहाँ की तिब्बत बस्ती का भी ख्याल जहन में जरूर आएगा। राजधानी में रहने वाले तिब्बतियों को 1960 में ही मजनू का टीला में बसाया गया था। यह दलाई लामा के साथ 31 मार्च 1959 यानी 1959 को भारत आ गए थे। तब तक ये सारा इलाका बंजर हुआ करता था, सड़कों पर भी बहुत कम ट्रैफिक चलता था। अब इसे न्यू अरुणा कॉलोनी कहा जाने लगा है। दिल्ली की पहली मेयर और महान स्वाधीनता सेनानी अरुणा आसफ अली के नाम पर इस एरिया का नाम रखा गया था। जिन तिब्बतियों का जन्म भारत में हुआ है उनके पास भारत की नागरिकता है, वो वोट देते हैं विधानसभा से लेकर लोकसभा तक में। दिल्ली में पैदा और बड़े तिब्बती अब यहाँ से दूर जाने को राजी नहीं, उन्हें इतना प्यार मोहब्बत हो चुकी है। तिब्बत कॉलोनियों में रहने वाले बहुत से तिब्बती कपड़ों का बिजनेस करते हैं। राजधानी में लगभग 8,000 तिब्बती है। यहाँ पे लोग इस जगह को मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे गर्म कपड़े या फिर अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको चाइनीज फूड खाने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक गुरुद्वारा भी है, और ये रास्ता जब आपको करनाल की तरफ जाना है, सोनीपत पानीपत या इस रास्ते से होते हुए प्रीतमपुरा होते हुए रोहिणी की तरफ जाना है, तो ये रास्ता आपको जरूर जरूर ही से ही जाना होगा, क्योंकि ये एक सेंटर पॉइंट है। इसी के पास कुछ किलोमीटर दूर पर ही आपको अब मिलेगा वजीराबाद का, जो कि वजीराबाद का नहीं, वजीराबाद को जो कनेक्ट करता है सिग्नेचर ब्रिज, जो कि यहाँ पे दिल्ली में बना है। तो इस जगह का इतिहास और जगह काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे ISBT कश्मीरी गेट का यहाँ पे बस टर्मिनल भी है, मेट्रो भी है, यहाँ पे काफ़ी कनेक्टिविटी है, काफ़ी कुछ है। लेकिन आपको यहाँ पे तेज दौड़ती भागती दिल्ली का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक है जो कि NH1 को करता है कनेक्ट, वो बहुत ही हाई है, और जो गाड़ियों की और रफ्तार है, बसों की रफ्तार है, वह हवा से बातें करती हुई चलती रहता है। तो आज के लिए बस हमारी वीडियो में इतना ही। ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो भी हो गए मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा दिल्ली से या अपने देश भारतवर्ष से संबंधित। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।